ये कैसी परत झिल्ली जमी हुई है ये देखो, ये 2-3 दिन पुरानी कोल्ड ड्रिंक थी घर पे। ये देखो। ये रहा पिज्ज़ा और ये लाई मैं रुई के लिए और आरुष के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, मेरे प्यार भरा नमस्ते। और मैं हूँ संगीता रावत, उत्तराखंड के देहरादून से। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ। और अभी मेरे बच्चे जा रहे हैं स्कूल, लेकिन मेरे बेटे की हो रही है तबीयत ख़राब, उसको हो रहा है फीवर। तो मैं उसको सुबह ही स्कूल नहीं भेज रही थी, लेकिन आज से टेस्ट शुरू हो गए तो मैंने कहा थोड़ी देर जा टेस्ट देखे, उसके बाद मैं लेने आ जाऊँगी तेरे को। लेकिन उससे पहले ही मैम का फ़ोन आ गया कि अर्नब को फीवर हो रहा है तो उसको लेके जाओ। तो अभी मैं अर्नब को लेने जा रही हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और इसके बाद मैं एक क्लिप डालूंगी जो कि सुबह सुबह के 7:30-8 बजे के बीच में, तो उसको डालूंगी मैं एक क्लिप, उसको ज़रूर देखना। तो जैसे ही अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं बच्चों को छोड़ के आई स्कूल से, और जैसे मैं घर में गई तो मेरे को दीदी लोगों ने बुला दिया अपने घर में। क्यों बुलाया आप लोग उनसे ही पूछ लो कि क्यों बुलाया उन्होंने, ठीक है। देखो ये सुबह सुबह मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाने बुला रहे थे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के कोल्ड अंदर ड्रिंक के उनको अंदर कुछ, देखो ये कैसी परत झिल्ली जमी हुई है। ये देखो, ये 2-3 दिन पुरानी कोल्ड ड्रिंक थी घर पे ये देखो और क्या ये निकला, और वो भी स्लाइस स्लाइस है स्लाइस देखो, की जिसको हम बॉटल मजे सी। से पीते हैं। ये और उस देखो स्लाइस के अंदर देखो कितना कूड़ा कबाड़ हो रखा है, ये झिल्ली देखो जैसे जम रखी है। क्या निकल रहा है इसके ये अंदर से, देखो काला क्या हो, काला। चीज क्या हो सकती है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। ये देखो छिची, हम ये और हम जहर कितने पीते हैं, टेस्टी इससे पीते हैं पीते ना हैं, बच्चों को कि देते वही तो जूस पियो बच्चों को बेटा देते हैं। स्कूल से और आए। नहीं, ये तो थैंक गॉड की ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट, था, सही और बोल रहे अगर हो, रियल जूस कोई डिब्बे के सैशे अंदर रहता रहा। वगैरह डब्बा बंद होता तो फिर क्या होता। ओ माय आराम, गॉड, बच्चों को फिर बोलते हैं अंदर बच्चों आ जाओ बेटा स्कूल से आके धूप लग गई, जूस आ जाओ जूस पियो। पियो। जूस के नाम पे ये है, देखो क्या है ये, देखो कितने दिन हो रखे आती इसको, इसको 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, कोई कमेंट करके बॉटल बताएगा का ये क्या ये क्या है। है। और आपको भी मिलता है ये जूस में कि नहीं मिलता है, ये देखो पूरी परत जैसी जमी है काली टाइप की। छिछी, अब तो कभी पीने का मन भी नहीं करेगा ना। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं पीऊँ, बिल्कुल भी नहीं। चलो देखना, कमेंट करके बताना कि क्या है ये, और आप लोगों के जूस में भी ऐसे निकलता है कि नहीं निकलता और है। ये है ये बॉटल ये बॉटल है, स्लाइस, स्लाइस है, ये अभी देखो इसकी डेट भी है, डेट है, अभी अच्छी खासी डेट है उसकी, एक ये देखो। हफ्ता ही हुआ था इसे अभी खोले हुए अभी। अक्टूबर की है, अक्टूबर 24 की है डेट। ये देखो, वो तो पता चल गया ऐसे ट्रांसपेरेंट से, तब पता चल गया, पूरा ऐसे ही पैक हुआ रहता तब नहीं दिखना था। चलो ऐसे उससे सावधानी, बच के रहना भाई, बच गए तुम, नहीं तो अंदर बच अंधेरे गए, में नहीं पीते तो तो कुछ हो जाता, फूड पॉइजनिंग, ये तो कहीं कुछ हो जाता, क्या है ये उसमें, जहर है। ठीक है। चलो करो काम। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ घर में और देखा आप लोगों ने कि जैसे कि फ्रूटी को हम इतने शौक से पीते हैं और जूस बोल के कि हाँ ये जूस पी लो जूस पी लो, और उस जूस के अंदर क्या था, तो इसने इतनी काली परत जम रखी थी ना उसमें, जैसे काई होती है ना उस तरह से था भाई। अब तो मेरे को डर ही लग गया उस जूस को देख के। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फिलहाल घर का काम। बोलो कुछ हो रहा है, सुस्त हो गया रे, चलो डॉक्टर में चलते हैं अंदर, ठीक है। चलो डॉक्टर में, और ये है डोटेल डॉक्टर, बहुत छोटा क्लिनिक है लेकिन बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। और ये रहा वेट करने के लिए, यहाँ पे सब वेट करते हैं और अंदर देखते हैं डॉक्टर, लेकिन आज बहुत कम भीड़ है। हम सही टाइम पे आए ना, बोलो हमारा नंबर भी आने वाला है, आप सीधा और अंदर देखते हैं डॉक्टर। दोस्तों अभी अभी आ रही हूँ मैं घर पे डॉक्टर से, जैसे मैं गोलू को ले गई थी डॉक्टर में, तो वहाँ से अभी आ रही हूँ मैं। गोलू ने भी चेंज चुंज कर दिया कपड़े, और डॉक्टर ने बोला है कि इसको 1 हफ्ते तक पूरी दवाई चलानी है क्योंकि यह गर्मी से हो रहा है बुखार, इसको बाहर धूप में भी नहीं जाना है, खेलने वेलने भी कम करना है। तो इतनी सारी दवाइयाँ हैं गोलू की, ये देखो इतनी सारी दवाइयाँ ला रखी है। तो आजकल उसके टेस्ट भी चल रहे हैं, मैम ने भी बोला जैसे स्कूल में आता है टेस्ट के बाद 1 घंटे बाद आप उसको घर ले जा सकते हो, तो कल से मैं ऐसा ही करूँगी। लेकिन ये दवाई पूरी कंटिन्यू 1 हफ्ते तक चलेगी गोलू की, ठीक है गोलू, ठीक है। ये देखो, लेकिन गोलू बिल्कुल भी दवाई खाने में परेशानी नहीं करता, अच्छे से दवाई पी लेता है। तो स्कूल से आके गोलू थोड़ा दवाई दवाई खा के अभी खेलने लग गया ना। खेलो, क्या खेल रहे हो, बैट बॉल खेलो। चलो ठीक है, आप थोड़ा खेलो आप, और मैं बनाती हूँ खान, कौन सी तक खाना बनाऊँ बेटा, क्या खाओगे, खिचड़ी। नहीं यार मेरा तो ये आएगा।
तो अभी हम शाम को जा रहे थे घूमने और अभिजीत के साथ बोला था कि हमने दोनों शाम को घूमने चलेंगे, लेकिन हमको कहीं और ही लेके आ गई हो। ये देखो कहाँ का प्लान था और कहाँ आ गए। प्लान तो था घूमने का और आ गए शीतल के घर खाने के लिए। आज शीतल ने कुछ स्पेशल डिश बना रखी है तो उसने कहा थोड़ा टेस्ट कर लो, तो हम आ रखे हैं यहाँ पे, फिर उसको खा के हम दौड़ने जाएंगे क्योंकि उसको पचाने भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बना रखा है, उसके बाद जाएंगे हम। थोड़ी देर बना रखा है शीतल ने डोसा, चलो टेस्ट करके देखो कैसा हो गया। इसका टेस्ट करेगी बिजिता अभी बना। अरे और एक हो तो जाएगा, और बना रहे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद हमको डोसा खिलाने है। अच्छा है शीतल, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है और चलो हम खा लेते हैं। अभी आ गई हूँ मैं घर में और बच्चों के लिए लेके आई, क्योंकि जिस दिन मदर्स डे था उस दिन मैंने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया था, तो हमारे पड़ोस में था उस दिन बर्थडे था, तो मैंने कहा छोड़ रहने दो, तो इसलिए बच्चों ने भी कहा कि मम्मी आपने मदर्स डे की पार्टी नहीं कराई, तो आज मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ। ये रहा पिज़्ज़ा और ये लाई मैं रुई के लिए और आरुष के लिए कोल्ड ड्रिंक, और गोलू के लिए ला रखी हूँ मैं मौसमी का जूस क्योंकि गोलू को तबीयत ख़राब है, तो अभी थोड़ा सा ठीक है। कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। तो ये है एक पिज़्ज़ा ये रहा और एक पिज़्ज़ा ये रहा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग